अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद गुलफाम हैदर और आप देख रहे हैं जीएनएस डेली। आज हमारे साथ मौजूद हैं शकील भाई, ये एथलीट हैं और काफ़ी अरसे से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जिमनास्टिक की। ये कलाबाजियाँ बहुत अच्छी लगाते हैं और काफ़ी अरसे का इनका तजुर्बा है, प्रैक्टिस है। आज इनसे हम जानेंगे कि ये क्यों इन्होंने सीखा, किस लिए सीखा और कितना अरसा इनको सीखने में लगा। तो आइए शकील भाई से बात करते हैं। शकील भाई कैसे हैं आप? जी भाई मैं ठीक, आप सुनाएं। शकील भाई आप ये जिमनास्टिक वगैरह करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? जी भाई मुझे 4 साल हो गए हैं। 2018 में मैंने क्लब को ज्वाइन किया था, वो हमारा सामने क्लब है पहाड़ी चौक, पाकिस्तानी अस्ताची मार्शल आर्ट। इसमें सेल्फ डिफेंस में मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, कराटे, योगा, निंजा, वेपन, हर चीज़ सिखाई जाती है। ये बच्चों की सेल्फ डिफेंस के लिए, फिटनेस के लिए, फिजिकल कोचिंग, इतना कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, कराटे, योगा, इतना कुछ। लेकिन आपने सिर्फ ये जिमनास्टिक वाली साइड पर क्यों आए हो? क्योंकि मैं सीखने जिमनास्टिक आया था, तो मेरे सर ने मुझे कहा कि आप चलो ठीक है आपको स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन मेरे सर ने मुझे ट्रेनिंग ऐसी कर दी कि मैं मिक्स गेम में आ गया, मिक्स में, जैसे कि जिमनास्टिक, कराटे, फाइट। अब मैं फाइटर भी हूँ और जिमनास्टिक भी करता हूँ, हर चीज़ कर लेता हूँ। अच्छा, जिमनास्टिक के अलावा कराटे, फाइटर भी हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। जी भाई, तो ये क्यों ज्वाइन की अपनी फील्ड? भाई मैं सच बताऊँ तो मैंने 2018 में ना टाइगर श्रॉफ की मूवी देखी। बहुत लोग कहते हैं कि फिल्म देखने से शौक पड़ता, लेकिन नहीं, उसकी मैंने फिल्म देखी, वहाँ से मुझे फीलिंग आई। तो जब मैंने ज्वाइन किया कि यार मैंने भी ये ट्रेनिंग सीखनी है, समझ यार फिल्मी शौक है बस। जब मैंने शुरू की तो मैं पहले कमज़ोर था, बीमार था, चेस्ट इन्फेक्शन होगा कभी बीमार। जब मैंने ये फिजिकल कोच ट्रेनिंग शुरू की कराटो की, तो एकदम मेरे बॉडी में ऐसे पावर सी आई, तो मुझे अच्छा फील होना शुरू हो गया, जैसे मेरी बॉडी ना गोली जैसे तेज़ हो। यानी फिल्मी सीन हुआ सारा आपके साथ। तो जैसे जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की है तो मेरी बॉडी में ऐसे जैसे जान आ गई है, फिटनेस आ गई है, बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये गेम से जैसे फिजिकल, जैसे हमारे पट्टे होते हैं इसमें पावर आती है, हड्डियाँ वगैरह मजबूत होती हैं। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद फौरन मेरे जिस्म में ना। अच्छा, रोज़ाना कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं आप इस चीज़ के लिए? रोज़ाना भाई शाम 7 से लेकर 9 बजे तक ट्रेनिंग होती है। ठीक है। अच्छा, फिट रहने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की हमें ज़रूरत होती है, जैसा कि जिम हम करते हैं, इसके अलावा खुराक वगैरह कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, रनिंग की ज़रूरत होती है। तो आप पहले हमें ये बताएँ कि खुराक इस चीज़ के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं ये फिट रहने के लिए? मैंने सर से पूछा था कि सर इसके खाने के लिए हम क्या करें, सर कहा जो मर्ज़ी खाओ लेकिन मुनासिब खाओ। नहीं, जो मर्ज़ी खाओ में चीज़ें आ जाती हैं, तली हुई चीज़ें भी इंसान के मैदे का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। लेकिन फ़िट रहने के लिए, ये जिस्म को फैलाने के लिए, जिस्म की तवाना, स्टेमिना बेहतर करने के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? हमारी ट्रेनिंग में ना, जिम का मुझे इतना नहीं पता, हमारी ट्रेनिंग में रोटी जो होती है ना, रोटी रात को रख लेनी है पका के, सुबह उठ के ना उसको तोड़ के दूध में डाल कर खानी है, फ्रूट मिल्क शेक। मैं कि जो देसी चीज़ें ना खाने वाली, सब्जियाँ, दालें वगैरह ये खानी है, कोई भी बाहर से ना चीज़ नहीं खानी, ये हमारी फिटनेस है। अच्छा, ये यानी कि ये खुराक आप खाते हैं तो इसके बाद जो है वो जिसम इसको जल्दी कैच कर लेते हैं और जल्दी असर करती हैं ये खुराकें आप? जी भाई। तो ये आप जो रनिंग इसके लिए करते हैं, जिम वगैरह करते हैं या सिर्फ यही चीज़ कर रहे हैं? जी भाई रनिंग करते हैं, तो कराटे वगैरह करते हैं, जिम नहीं करता। जिम की जो ट्रेनिंग है ना जिम में होती है, लेकिन जो जिम के तरीके से ट्रेनिंग है ना हमारे क्लब में भी होती है वैसे। यानी आप सिर्फ रनिंग करते हैं इस चीज़ के लिए? जी, तो रनिंग करता हूँ और वार्म अप करता हूँ, बॉडी एक्सरसाइज काफ़ी एक्सरसाइज। रोज़ाना कितनी रनिंग कर लेते हैं? रोज़ाना भाई 3 से 4 चक्कर लगाता हूँ ग्राउंड के मैं। अच्छा, 3 से 4 चक्कर रोज़ाना के आप लगा लेते हैं? जी भाई, इतना बड़ा ग्राउंड है जी। अच्छा, काफ़ी स्टैमिना, लेकिन थोड़े दिन हुए क्लब ऑफ है मेरा, तो इसलिए मैंने कभी जिलाई लेवल पर मुकाबले में शामिल होने का मौका मिला? जी एक बार गए थे हम ये अल्फाते स्पोर्ट कम्प्लेक्स में, डी ग्राउंड में। तो फिर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये कि हम वहाँ पे खेलने गए थे, हमारे 3 लड़के गए थे आगे, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं फर्स्ट टाइम गया था। 3 हमारे क्लब के लड़के विन होकर आए थे वहाँ से, नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगा ना तो विन होकर आऊँगा, तो इधर टूर्नामेंट आने वाला है एक, तो वो इन्जॉय करूँगा ज्वाइन में। ठीक है, तो आपने ये सब किससे सीखा है, क्या आपने उस्ताद का नाम बताया हमें? जी मेरे उस्ताद का नाम मोहसिन हारून है, तो उन्होंने मुझे सिखाया ये ट्रेनिंग सारी। ठीक है, तो अब हम शकील से कहेंगे कि हमें ये 2-3 स्टेप्स करके दिखाएं एथलीट्स के। तो आइए शकील भाई। Oh,
अच्छा, आपने इतने सारे स्टंट्स हमें करके दिखाए हैं, तो इसके अलावा आप क्या स्टंट कर सकते हैं? इसके अलावा जो मैं आपको पुशअप लगा दिखाता हूँ, जो हमारे स्टाइल में जिम के जो पुशअप होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं ज़मीन के ऊपर। हमारे जो पुशअप है ना, जो प्रो लेवल के जो स्टंट्स के साथ जिमनास्टिक के साथ को ऐड करके करा लिया जाता है, वो चाइनीज पुशअप होते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शकील भाई, इन्होंने अपने करतब करके हमें दिखाए जिमनास्टिक के करतब, जो भी इन्होंने सीखा है। अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र करे, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें ज़िलाई लेवल पे और सिटी लेवल पे, इसके अलावा मुल्की लेवल पे भी ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।